खवातीन और हज़रात, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। इसमें हम लोगों को कुछ तस्वीर दिखाएंगे। उठ इत्थे आके बैठ। खवातीन और हज़रात, हमारे मेहमान बताएंगे कि ये कब कहां और कैसे। आइए चल के पहली क्लिप देखते हैं। खवातीन और हज़रात, इसको कहते हैं मिनी बग्गा। शायरेली बच्चा। बग्गा साहब, कितने साल के थे आप? सर ये मुझे अम्मा बताती हैं कि 3 मंथ 4 मंथ का। और क्या रोते भी लय में थे? खवातीन और हज़रात, सुपर ओवर में ये चीज डॉक्यूमेंट हुई है एंड इट्स अ फैक्ट कि इससे छोटा बग्गा और कोई प्रोग्राम नहीं था। जी जी, माशाल्लाह, पहली दफा हुआ। वैसे मैंने, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की तस्वीर आप कहाँ से निकाल लेंगे। वाह 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 वाह, लो जी बग्गा जी, तुसा नहीं है तस्वीर तक के गाना हिट होया, बिलो छोटे बग्गे आंदा के करेंगे। आइए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आहा, मावा ठंडिया छावा। और इस तस्वीर में लग रहा है कि कुछ सालगिरह हो रही है, कुछ शादी है, बन ठंड के आप भी तैयार हैं। तो ये मेरा हल्की शादी थी कोई फैमिली में। तो अच्छा, सारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा नखरे वाला कौन था? नखरे वाला, हाँ, कि मतलब मैं नहीं है खाना, नहीं मैं नहीं जाना, नहीं मैं नहीं है। वो मेरा भाई है एक, सोनू, वो है जरा अपनी मर्जी का लाडला वो। हाँ बिल्कुल, उसका अपनी एक लाइफ है, अपने 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 तर्ज के खाने खाता है। ओए होए, हाँ, उसका अपना मूड है कि बर्गर तो पान तेरी पा देना। काले सादे खानदान के नखरे वाले नहीं, बखरे वाले होते हैं। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हा हा हा, राहील शरीफ साहब और साहिर अली बग्गा एक ही फ्रेम में। और मेरा ख्याल है बग्गा साहब की एक्साइटमेंट इतनी थी कि आपने कहा सर। ये तस्वीर है जी, मैं, मुझे राहील शरीफ साहब ने बुलाया था, मैंने एक सॉन्ग बनाया था, एक शहीद का सॉन्ग था। अक्सर हम सॉन्ग लिखे जाते हैं शहीद की माँ के रेफरेंस से बनाते हैं लोग ना, तो एक गाना था यारो मेरा यार ना रहा, वो बाप की फीलिंग होती जैसे एक शहीद बेटे के लिए, तो उस पर मैंने बनाया था। तो इनको बहुत आया था पसंद। तो ये जब मैंने परफॉर्म किया था 6 सितंबर पर, तो ये मतलब इनकी आंखों में आंसू भी थे। तो इन्होंने फिर मुझे 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस के, उन्होंने मुझे अप्रिशिएशन अच्छा। के लिए मुझे बुलाया था, तो तब मैं इनसे मिलने गया था। वाह वाह, वेरी नाइस सर। आपने राहील शरीफ साहब के साथ भी काम किया और आपने बाजवा साहब के साथ भी काम किया, दोनों के मिजाज में, म्यूजिकल सेंस में कितना फर्क है? म्यूजिकल सेंस का तो मैं नहीं बता सकता। हम एक मैसेज देना होता है जो कि आप अक्सर, मैं बल्कि ये मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ISPR ने गाना बना दिया, फिर गाना बना दिया, मुल्क के लिए क्या हो रहा है और गाना बनाए जा रहे हैं गाना। असल में ये गाना नहीं होता, असल में ये एक ऐसी बात होती है कि जो आप बार बार सुन सकें, लोगों के कानों तक जा सकें। तो गाने का जरिया एक बेहतर चीज़ है। तो उसमें सिर्फ हमारा जो या ISPR का या फौज का जो कंसर्न होता है गाने के अंदर, वो इतना ही होता है कि जो उनका मैसेज देना होता है लोगों को, अपने दुश्मनों को देना होता है या अपने 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 लोगों को देना होता है या किसी को भी देना होता है मैसेज, वो गाने के जरिए दे देते हैं, वो सही से पहुँच जाती है, कन्वे भी हो जाता है और मोटिवेट भी कर जाता है। क्या बात है, कितनी अच्छी थी, जबरदस्त गल की थी बग्गा पाजी। असल च पता की तुसी वाकई इधर अच्छा उन्होंने ना जलील होता ज्यादा शौक। अगली तस्वीर किधर पढ़ते? अरे वाह, हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ आप मौजूद हैं और हाथ मिला रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान साहिर अली बग्गा। सर ये कहाँ की तस्वीर है? सर ये कन्वेंशन सेंटर की है, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। अरे क्या बात है, वाह वाह, क्या फीलिंग थी उस पर? सर फीलिंग मुझे इतनी मुझे खुशी जो थी वो तो थी ही पहले ही, मतलब मुझे उस वक्त ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरे अम्मी अब्बा साथ थे, तो वो जितना खुश और इमोशनल थे मैं, वो मुझे खुशी भूल गई थी कि मुझे क्या मिला, उनको क्या मिला इसकी मुझे खुशी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। जहां हम लोग हुब्बुल वतनी की बात कर रहे हैं और मिली नगमों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना बग्गा साहब से एक दो लाइनें हो जाएं। जी बिल्कुल।
दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल दिल की आवाज पाकिस्तान अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हा 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 बहुत दिनों साथ इसको कहते हैं द डेडली ट्रियो राहत फतेह अली खान साहब साहिर अली बग्गा और यूसुफ सल्ली साहब एक ही कमरे में मौजूद और ये सोच रहे हैं ऐ करेले आज पके। हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे थे एक तो उसके लिए गाना हमने कंपोज किया था तो उस पे काम कर रहे थे। आप म्यूजिक कंपोजर तो हैं ही अब आप एक बहुत बड़े सिंगर भी बन चुके हैं। वाह राहत फतेह अली खान साहब के साथ आपने बहुत काम किया है मगर अब आप खुद भी एक सिंगर हैं तो कैसे ताल्लुकात हैं दोस्ती यारी अभी भी है कि चुंजा बजती नहीं चुंजा मेरी नहीं बज सकती उनके साथ मेरा बड़ा प्यार है और वो वैसे लाजवाब आदमी अपने काम के बाकी चुंजा चुंजा जी गल है जी फिर पहले कभी एक दो चफा हो जाती फिर ऐसा नहीं है। अरे क्या बात है राहत फतेह अली खान साहब की आपको ये तो मालूम ही होगा कि सुपर ओवर का आगाज भी राहत फतेह अली खान साहब ने ही किया था और उनको तो 32 पुश्तों की दुआ है कि उनकी 32 पुश्तें सुरीली हैं ऐ तड़ी तरह पापे कोजियां नहीं है गियां अभी तो वो तीसरी पुश्त है।